हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बारे में। रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है जी, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है। ठीक है, सो अब देखने की कोशिश करिएगा कि दो केसेस बनते हैं जब रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, जब रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है होता है कि अगर मैं कहूं कि क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी धोनी की क्या है, मतलब 6 बॉल में वो कितने बॉल पे छक्का मार सकता है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, कि टोटल जो सीक्वेंस है उसमें किसी भी बेस पेयर के अपियर होने की, ठीक है, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ अकरेंस, या एग्जैक्टली दैट इज यू कैन से कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार हुआ, नंबर ऑफ प्रेजेंस और अपियरेंस और अकरेंस, द नंबर ऑफ प्रेजेंस डिवाइडेड बाय द टोटल जो भी सेगमेंट में वो कितनी बार प्रेजेंट हो सकता है, कितनी बार प्रेजेंट हो सकता है, नंबर ऑफ प्रेजेंस इन डिवाइडेड बाय द टोटल सेगमेंट, एक सेगमेंट में वो कितनी बार प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, यही होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी का मतलब, कि अगर ये जो सेगमेंट है वो कितनी, उस सेगमेंट में कितना बार प्रेजेंट हो सकता है। Now, अब देखने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे लेके आऊंगा लेकिन पहले देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो दो बेस कटर होते हैं, एक 4 बेस पेयर होता है और एक होता है 6 बेस पेयर। जब हम 4 बेस पेयर करते हैं, ठीक है, अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 4 बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी में देखने की कोशिश करिएगा यहां पे, ठीक है, दैट इज व्हाट, अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है दैट इज द केस नंबर 1। व्हाट इज द केस नंबर 1? इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पे? सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, 4 बेसेस होते हैं। कि हम आरएनए को यहां पे इसलिए नहीं कंसीडर करते, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड को कट करता है। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट ओनली द डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड, इसलिए हम AUGC को कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको करता है? वो डबल स्टैंडर्ड को कट करता है। तो व्हेन द कंपोजिशन इज सेम, पहला केस जब कंपोजिशन सेम होगा, यानी GC DNA के लिए, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए 25-25% होगा, यानी A की प्रोबेबिलिटी 1/4, B की प्रोबेबिलिटी 1/4, C की, G की 1/4, C की 1/4। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो 1/4 आएगा सबका प्रोबेबिलिटी। अब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो पहला होता है कि अगर 4 बेस कटर है, 4 बेस कटर को बोलते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंट कटर। इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंट कटर बोला जाता है। 4 बेस कटर को बोला जाता है फ्रीक्वेंट कटर, 4 बेस कटर को बोला जाता है फ्रीक्वेंट कटर, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब फ्रीक्वेंट है तो इसको देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक की यहां पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4। A की यहां पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, G की 1/4, G की 1/4, T की 1/4। 4 बेसेस हैं, चाहे वो कोई भी बेस हो, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ये आ जाएगा 1/256। इसका क्या मतलब है जी? कि वंस इन 256, 256 बेस पेयर में एक बार अपियर होगा, यही होगा, 256 बेस पेयर में एक बार अपियर हो रहा है, 1/256, दैट इज रिस्ट्रिक्शन साइट विल अपियर एवरी 256 बेस पेयर, हर एक 256 बेस पेयर से ये अपियर होने वाला है।
एंड दिस इज व्हाट द फ्रिक्वेंट कटर, ये क्या है, ये फ्रिक्वेंट कटर है। अगर मैं बात करूं रियर कटर के लिए, रियर कटर यानी सिक्स बेस पेयर, रियर कटर का मतलब है सिक्स बेस पेयर, जहां पे रियर कटर है सिक्स बेस पेयर के लिए, तो रियर कटर में सिक्स बेस पेयर आता है, सिक्स बेस पेयर दैट इज लाइक की ए जी टी ए टी सी, छह बेस पेयर है सबके लिए, वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर सिक्स टाइम करेंगे, दैट विल बी वन अपॉन 4096, जिसका मतलब है कि ये जो बेस पेयर है, दिस पर्टिकुलर बेस सिक्वेंस, ये छह बेस पेयर का सिक्वेंस जो है 4096 यानी 4096 बार 96 बेस पेयर में एक बार जरूर अपीयर होगा, दैट इज वंस इन 4096, ये जो बेस पेयर है वंस इन 4096 में अपीयर जरूर होगा। समझ में आ गया कि व्हाट इज द दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, चाहे वो फ्रिक्वेंट कटर हो चाहे रेयर कटर हो, जब कॉम्पोजिशन सेम हो तो, जब कॉम्पोजिशन सेम हो तो क्या होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन डिफरेंट होगा तो क्या होगा उसके लिए भी देखेंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं चारगाफ रूल के बारे में। व्हाट इज चारगाफ रूल, चारगाफ रूल जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए दिया जाता है, चारगाफ रूल जो दिया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए दिया जाता है, चारगाफ रूल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए दिया जाता है, जहां पे प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन होता है, प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन होता है चारगाफ रूल पे। कुछ छोटी चीजें बता रहा हूं, प्यूरीन जो होता है वो होते ए और जी, पिरिमिडीन होता है सी एंड टी। अगर ये चीज याद हो गई, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर ये याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी चारगाफ रूल के क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते, कभी भी नेवर। याद रखिएगा प्यूरीन का सम यानी ए जी का सम, ए प्लस जी का सम हमेशा 50% होगा, प्यूरीन का सम हमेशा 50% होगा, पिरिमिडीन का सम सी प्लस टी हमेशा 50% होगा, एंड ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना तीन आपको याद कर लिया आपने तो डेफिनेटली कोई चारगाफ रूल का क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। ए प्लस जी इज इक्वल टू 50%, सी प्लस टी इज इक्वल टू 50%, एंड ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी। ठीक है, चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि इसी चीज को यूज करेंगे, हम इसी चीज को यूज करेंगे कब, जब कंपोजिशन सेम ना दिया हो। द केस टू रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी का, व्हेन द कंपोजिशन इज नॉट सेम, जब कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं है। जैसे देखिए यहां पे जी जो है, जी 20% है, अगर जी 20% है तो ए कितना होगा, अगर जी 20% है तो आप बता सकते हो कि सी भी 20% होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था जी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू टी। अगर जी 20% है तो ए जो होगा 30% होगा, क्यों, क्योंकि अभी कुछ देर पहले देखा था ए प्लस जी इज इक्वल टू 50%, अगर ये 20 होगा तो ये 30 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये अभी कुछ रूल जो मैंने अभी बताए थे, ये आपका सीधा सीधा वही अप्लाई हो रहा है, ये 20 हो जाएगा, अगर जी 20 है तो सी 20 होगा, अगर जी 20 है सी 20 है तो ए 30 होगा, और ए 30 है तो टी भी 30 होगा। सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स है, दो तीन रूल्स वही आपको याद करने। जब आपने देख लिया कि 20% है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100, इसके 30/100, ये हो जाएगा 30% मतलब 30/100, 20 मतलब 2/10, 20/100 यानी 2/10 एंड 30 का 3/10 आ जाएगा। अब अगर यहीं पे फ्रिक्वेंट बेस कटर के बारे में बात करते हैं, फ्रिक्वेंट कटर के बारे में बात करेंगे, जो फ्रिक्वेंट कटर है फोर बेस पेयर के लिए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, ए है तो 3/10, ए की प्रोबेबिलिटी 3/10, टी की 3/10 है जी, सी की कितनी है 2/10, जी की भी 2/10 होगी, 36/10,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जब आपकी कंपोजिशन है जो कि अलग है। ये केसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और थोड़े से रेयर पूछे जाते हैं, कंपोजिशन तभी पूछा जाता है ये चीज जब आपके क्वेश्चंस आते हैं सेम से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन करके बताइए कि ये क्वेश्चन जो है, इफ जी इज इक्वल टू 40%, अगर जी 40% है तो इस बेस पेयर में, ये जो मैंने दिया है इस बेस पेयर की रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट वुड बी द रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस बेस पेयर, करके बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को। अगर समझ में आया यहां तक तो किस क्वेश्चन को करके, ठीक है। सो आंसर जो है आप
ए बाई ए बी सी डी पे भी जा सकते हो, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है. सो लेट सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेम है या डिफरेंट है, ये केस किस चीज का लग रहा है, केस अगर देखोगे तो सीधे सीधे लग रहा है कॉम्पोजिशन डिफरेंट का. केस क्या है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट का, क्योंकि 25% दिया नहीं, अगर सेम होता तो ये 25% होता. ठीक है, सो सी, अगर जी 40% है, अगर जी 40% है तो सी कितना होगा, अगर जी 40% है तो सी 40% होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा. जी 40% है तो सी भी 40% होगा. नाउ अगर सी 40% है, अगर जी 40% है, तो आप बोल सकते हो कि ए जो होगा वो 10% होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों 50% होते हैं. सो दैट इज व्हाट, ए और टी जो होंगे वो 10-10% हो जाएंगे. ठीक है, 60% कैसे हो जाएगा, a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 60%. अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, कुछ देर पहले यार उसको तो अप्लाई कर लो प्लीज. आप लोग क्या अपने हिसाब से जो बचपन से पढ़ के आए हैं वही अप्लाई करना होता है. g जितना होगा उतना c होगा, और g प्लस a होगा 50 एंड c प्लस t होता है 50. यही तो चार चीजें बताई हैं मैंने, इसके अलावा क्या ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है? अगर ये घुस गया ना तो कभी भी चारगाफ रूल नहीं जाएगा दिमाग से. लेकिन इसको यूज तो करो, अगर पहले का यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे तो आंसर आपका देख ही रहो कैसा आ रहा है. सो ये ए 10 हो जाएगा, टी 10 हो जाएगा, जब ए और टी बराबर होते हैं तो टी भी 10 हो जाएगा. इसका परसेंटेज 4/10, इसका 4/10, इसका 1/10, इसका 1/10. ये आपके आगे परसेंट, ये प्रोबेबिलिटी है 10 में क्या होगा. बेस पेयर ये दिया था सी ए टी जी सी ए, सी का 4/10, ए का 1/10, टी का 1/10, डी का 4/10, ए का 4/10, यानी 64/10^6. इज इट, चलिए ग्रेट. सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ए का पार्ट आता है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, दैट इज व्हाट की दैट दिस रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आ जाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी से, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे. रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी फॉर अ बेस पेयर, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी के एक क्वेश्चन जो आते हैं जनरली लोग जिसके लिए परेशान होते रहते हैं, वो क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए एक डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट दे दिया, डीएनए सेगमेंट जिसका साइज जो है 10 कहते हैं कि 1 लाख है, क्या कह सकते हो 1 लाख है, और अगर यहां पर एक रेयर कटर, रेयर कटर मतलब कितना बेस पेयर, रेयर कटर का एक एग्जाम्पल होता है इको आर वन, इको आर वन, ठीक है, इको आर वन जो होता है 6 बेस पेयर का होता है. एक रेयर कटर आपने यूज किया, ठीक है, रेयर कटर यूज किया, ठीक है, रेयर कटर आपने यूज किया, तो व्हाट शुड बी द रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी क्या आना चाहिए. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है गेट का, किसी ने ग्रुप में पूछा था, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं उसी चीज को लेके. बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि आप अगर रेयर कटर आ रहे हो, रेयर कटर है 6 बेस पेयर है, देखिएगा 6 बेस पेयर है रेयर कटर का, तो अभी आपने देखा कि इसके लिए जब 6 बेस पेयर के लिए निकालोगे तो ये होता है 1/0496, होता है 1/4096. और फॉर ये था, ये कब था, जब 1 बेस पेयर की बात करते हैं, 1 साइट के लिए कहते हैं, दिस इज फॉर द सिंगल साइट, कितनी साइट्स होंगी उनको बताने के लिए, दिस इज फॉर द सिंगल साइट, ये कितनी रिपीटेशन होगी उस पूरे बेस पेयर से डिवाइड कर दो, That is what 10, 1 lakh से डिवाइड कर दो 4096. नाउ अब ये हो जाएगा कि दैट इज द 24 साइट्स, 24 आ जाएगा इसकी रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, 24 रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी. मिस दिव्या तिवारी, बायोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज में मैंने आपके रिसेंट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस दिखाए थे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट कर देता है, और हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं अगर 10 साल के क्वेश्चंस कर लोगे तो आधे क्वेश्चन तो रिपीटेड मिलते हैं, लेकिन करोगे तब, यही नहीं पता कि रिपीटेड आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी सीधा सा मतलब है कि आपने कभी पीवाईक्यू किया ही नहीं है. और अगर पीवाईक्यू नहीं किया है तो प्रिपरेशन आपकी कुछ भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है. हमेशा बोलता हूं सबसे ज्यादा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
क्यों? क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूं, हर एग्जाम में 10 to 20% क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते हैं हर एग्जाम में। अगर आप दो आप 10 साल का पेपर उठा के कभी देखना तो आपको खुद पता लग जाएगा, 10 to 20% जो होते हैं रिपीटेड। अब एग्जैक्ट रिपीटेड नहीं होगा, स्टेटमेंट उल्टा सीधा हो सकता है, थोड़ा बहुत घुमा सकता है, लेकिन रिपीटेड ही होता है। आप सोचोगे एग्जैक्ट रिपीट कर दे तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, रिपीटेड का मतलब है थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाइड, स्लाइटली मॉडिफाइड जिसको बोलते हैं, पैटर्न विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर जी। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जनरल क्वेश्चन के लिए, अगर जनरल बेस पेयर बोला जा रहा है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, सो दैट इज वॉट, अगर जनरल की बात करूं तो जनरल में क्या होता है, नंबर ऑफ, दैट इज वॉट, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, दैट इज नंबर ऑफ द बेस पेयर जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाई 4 to power n, ये फॉर्मूला होता है फॉर द सेम रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी जब यूज करते हैं, जो बेस पेयर दिया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ बेस पेयर इन रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट में कितना बेस पेयर है, ठीक है, 6 का है, 4 का है, लाइक 6 बेस पेयर या 4 या इस तरीके से, सीधा सीधा आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ग्रेट, नाउ यहां तक होप कि आपको क्लियर होगा रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। नाउ टॉप होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।